सो हे गाइज, वेलकम टू डायमंड अकेडमी। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए वॉट सेट 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। वर्ड नंबर वन, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का हिंदी होता है बड़ी संख्या। वर्ड नंबर टू, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी होता है विरोधाभास, किसी चीज का विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ लो, जैसे कि विरोधाभास का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो दूसरे चीज को काटती हो, ठीक है, वो विरोधाभास है। एक तर्क अगर दूसरे तर्क को काटे तो कहेंगे कि एक दूसरे का विरोधाभास है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। वर्ड नंबर थ्री, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विरोधाभास इसका भी हिंदी होता है। वर्ड नंबर फोर, जुबलिएंट। जुबलिएंट का हिंदी होता है प्रफुल्लित, खुशी, हैप्पीनेस। वर्ड नंबर फाइव, यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब भी प्रफुल्लित होना, यानी हैप्पीनेस और खुशी ही होती है। वर्ड नंबर सिक्स, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है अनुकरण करना, मतलब डुप्लीकेट बनाना, समझे? बहुत ही आसान है, ठीक है। रेप्लिका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि अमूमन आपको साइंस के बुक में यूज करने को मिल जाएगा। और रेप्लिकेट नाम से तो एक हॉलीवुड मूवी भी है, बहुत ही शानदार मूवी है, उसको देख लेना। वर्ड नंबर सेवन, इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, कुछ देना, गिव करना, ठीक है। वर्ड नंबर एट, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब मरम्मत करना, किसी चीज को ठीक ठाक करना, समझे? तो ये वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर नाइन, रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब भी मरम्मत करना ही होता है, तो सबसे ये कॉमन वर्ड है रेनोवेट, ठीक है। जब हम लोग घर को मरम्मत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग घर रेनोवेट कर रहे हैं। और लास्ट वर्ड है विनाइन। विनाइन का हिंदी होता है हितकारी, जो आपके फायदे की हमेशा सोचे। तो ये था आज का वर्ड सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।